हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सीरियल अनुपमा में अब घर वाले सभी ये मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अनुपमा के सामने ये सच्चाई ना आए कि उसको बीमारी है। सभी घर वाले उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और समर से भी वनराज यही वादा करता है कि कुछ भी हो जाए अनुपमा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब जल्द ही ऐसा मोड आएगा जब अनुपमा के सामने सच्चाई आ जाएगी बीमारी की। जी हाँ दोस्तों, जल्दी अनुपमा अपनी बीमारी का राज जान जाएगी और वो भागते हुए गार्डन में जाएगी और बहुत जोर जोर से चिल्लाएगी और रो रही होगी। यानी अनुपमा अपने आप को एक तरह से टूटा हुआ महसूस करेगी, लेकिन फिर उसकी फैमिली यानी समर और सभी लोग उसके साथ में मस्ती करेंगे, उसका मूड सही करने की कोशिश करेंगे और उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खड़ी होने वाली स्टोरी। तो यहाँ पर डॉक्टर अद्वैत खन्ना जो कि अब इन तीनों की लाइफ को सुलझाते हुए नजर आएंगे, यानी कि काव्या, अनुपमा और वनराज इन तीनों की जिंदगी को सुलझाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अद्वैत खन्ना और काव्या को समझा देंगे कि अब इन दोनों की लाइफ से चले जाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस अब जिस रिलेशन में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा। और अनुपमा के सामने जिस तरह से बीमारी के ये इशू आया है, आप देख सकती हैं कि अनुपमा जी के लिए वनराज कितना ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं वनराज आज भी अनुपमा से ही प्यार करता है और ये बॉन्ड कभी नहीं टूटने वाला, चाहे आप शादी करें ना करें, लेकिन वनराज के दिल में अनुपमा जी बस चुकी हैं और वो कभी उनके दिल से नहीं जाने वाले। तो ऐसे इंसान के साथ रह के भी आप क्या करेंगी जिसके दिल में उनकी वाइफ रहती है। और फाइनली काव्या को एहसास होगा और वो अब वनराज को छोड़ने का फैसला कर लेगी। तो दूसरी तरफ अनुपमा के सामने अपनी बीमारी का सच आ जाएगा। इसके बाद भी अब पूरी फैमिली उसको समझाएगी और इस बार कुछ उल्टा हमें देखने को मिलने वाला है। जो अनुपमा सबको समझाते हुए नजर आती है, इस बार उसकी फैमिली, समर, ये सब लोग उसे समझाते हुए नजर आएंगे और उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उसी के साथ में इसमें अब हैप्पी मोमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बीमारी के साथ। वेल, आगे के एपिसोड के अपडेट भी हम आपके लिए पहुंचाएंगे, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।